लक्ष्मी, टुडे ऑल्सो यू आर नॉट डन योर होमवर्क. तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? क्यों तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा? देखो लक्ष्मी, बोर्ड की एग्जाम पास आ रही है और तुम जो हो पढ़ाई में जीरो. फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स इफ यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली आई विल बी कंपेल्ड टू कॉल योर पेरेंट्स. इज दैट क्लियर? We're on a quest to start a new life in a new land. A life he never wanted. I just want to go home. This is home. A place he was never welcome. अभी स्कूल से आई नहीं कि टीवी देखना शुरू कर दिया? तुम्हें पता है एग्जाम सर पर है, जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ो. रोज इस तरह बच्ची को डांटने से वो कुछ करना बैठे. देखो लक्ष्मी, बोर्ड की एग्जाम पास आ रही है और तुम जो हो पढ़ाई में जीरो. From tomorrow onwards, if you are not doing your homework properly, I'll be compelled to call your parents. Is that clear? कैसे सुसाइड करूं? चलती रेलगाड़ी की पटरी पर अपना सिर रखकर करूं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा. रेलगाड़ी के बड़े बड़े डिब्बे मेरी बॉडी पर से गुजरेंगे. मरने के लिए मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ेगा. 10 माले की बिल्डिंग पर से छलांग लगा लूं तो? नहीं, ऊंचाई से तो मुझे बहुत डर लगता है. रस्सी से फंदा लगाकर मरूं या फिर जहर खाकर मरूं? मुझे लगता है जहर खाकर मरना ही मेरे लिए आसान तरीका होगा, क्योंकि एक बार जहर खा लिया बाद में तो पता ही नहीं चलेगा कि हम जिंदा हैं या फिर मर गए. और अगर जहर खाने में नाकामयाब हुए तो गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर लूंगी. पर मुझे किसी भी हाल में मरना तो है ही. भैया, मुझे कॉकरोच मारने की दवाई दे दो ना, जो ज्यादा जहरीली हो. अभी तो तुम वार्ड में हो ना, सच बोलो, कॉकरोच ही मारना है या फिर कोई और गड़बड़ी है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है. जाओ घर से किसी बड़े को बुला के लाओ, मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता. ये आपने कैसे चूहे मारने की दवाई दी है? इससे तो कॉकरोच भी नहीं मर रहे. ए लड़की, तुमने केमिस्ट्री का स्टडी किया है? कैसे मेडिकल स्टोर खोल दिया है? लड़की,
आप लक्ष्मी को क्यों इतना डांटते हो? मुझे उसके भविष्य की चिंता है। जब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। तुम क्या समझती हो, लक्ष्मी को डांटने से क्या मुझे खुशी मिलती है? तुम नहीं जानती, मैं अंदर से बहुत टूट जाता हूं। मैं उन बाप में से नहीं हूं जो लड़कियों को स्कूल भेजने की जगह चूल्हा फुकवाए, उनसे रोटियां बनवाए और बड़े होते ही उनके हाथ पीले करवा दे। आज लक्ष्मी हमारे घर की लक्ष्मी है। जब वो पराए घर जाएगी तब भी वह लक्ष्मी और सरस्वती का रूप लेकर ही जाएगी। अपनी बेटी का स्वाभिमान बढ़ेगा, लोग उसे सम्मान देंगे, साथ में हमारा भी सम्मान बना रहेगा। बस मेरा सपना हमारी बेटी के लिए इतना ही है। प्यारे मम्मी पापा, आप लोगों ने पापा, आप लोगों ने हमेशा मुझे पढ़ाई करने को बोला और मैं पढ़ाई ठीक से न करने की वजह से स्कूल में टीचर ने और घर पर आप लोगों ने मुझे डांटा और अपना गुस्सा भी निकालते रहे, पर इसी पढ़ाई की वजह से और बोर्ड के एग्जाम के टेंशन से मैंने मरने का प्लान बनाया और मरने के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाई का सहारा लेना पड़ा। तब मुझे पता चला कि पढ़ना इतना भी हार्ड नहीं कि जितना पहले मैं समझती थी। मैं मरने के तरीके गूगल पर सर्च कर सकती हूँ, केमिस्ट्री के बुक्स रीड कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने खुद के भविष्य के लिए और अपने माता पिता के सपने सच करने के लिए क्यों ना पढ़ूं।